हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं आज मैथ्स की आपकी नेक्स्ट ट्रिक लेके आई हूँ। क्लास नंबर 2 है आपकी, नेक्स्ट क्लास है आपकी। तो अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लग रही है तो आप सभी लोग शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। इस करने के बाद आप सभी लोग टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाइए हमारे, उससे मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि रेगुलर में आपको एक क्वेश्चन दिया करूंगी और उस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी बताऊंगी, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे काम करा करेंगे हम, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रह करें। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है आप सभी को, शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज मैं आपके सामने एक प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल लेके आई हूँ। बहुत कॉमन सवाल है, शायद आपको बहुत बार पेपर में देखने को मिला होगा। किसी मेज की 400 रुपए के स्थान पे किसी मेज को 400 रुपए के स्थान पर 350 से बेचने से हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है। पहले उसको 400 बेच रहे थे, उसके बाद उसको 350 बेचा। ऐसा करने से हानि में 5% की वृद्धि हो गई। तो हमें क्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है? क्रय मूल्य। पहले 400 में बेच रहे थे, फिर इसको 350 बेच दिया, कितना डिफरेंस हुआ? 50 रुपए का। इस 50 रुपए के डिफरेंस से, इस 50 रुपए के डिफरेंस से हानि में इंक्रीमेंट कितना हुआ? 5% का। इस लाइन से समझ समझे हम लोग, ये बात समझे होंगे कि 50 रुपए के डिफरेंस से हमें जो हानि में परसेंटेज वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 5% की। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? 100%। क्या होता है? 100%। तो 1% का मतलब क्या हुआ? 50/5, और 100% का मतलब क्या हो गया? इनटू का 100, मतलब 1,000 रुपये। क्या हो जाएगा? 1,000 रुपये। आ गई होगी बात समझ में? तो सवाल क्या होगा? तो ऑप्शन कहाँ पे? 1,000 रुपये आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए कितना आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। सबसे आसान सवाल है और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में काफी बार ये सवाल पूछा जाता है। अगर आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि कभी भी ऐसे सवाल आए तो आप हमेशा आराम से इसको कर सकते हैं। तो आपने कुछ आज नया सीखा होगा, एक न्यू टॉपिक था ये आपके लिए, न्यू टॉपिक था, न्यू कंसेप्ट था कि जब इंक्रीमेंट दे रखा हो तो हम पूरा सॉल्व करने की जगह हम लोग इस प्रकार से परसेंटेज की हेल्प से कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर 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 कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बाय बाय।